जूही नया पुरवा में मासूम को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया है। किन्नरों ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। किन्नर समाज ने बताया है कि उधार लिए 10,000 रुपए न देने पड़े, इसलिए महिला ने मासूम को किन्नर बनाने के आरोप लगा दिए। किन्नरों के साथ दर्जनों क्षेत्र की महिलाएं भी डीसीपी ऑफिस पहुंची। डीसीपी साउथ ने किन्नरों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। पूरा मामला जूही थाना क्षेत्र नया पुरवा का है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। अभी नहीं, अभी एक की जरूरत है। हम लोग इसलिए आए हैं, हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। हमारे किन्नर समाज में, हमारी पूरी पंचायत, पूरे ऑल इंडिया में हमारे हिजड़ों के ऊपर आरोप आया कि बच्चे, 2 साल के बच्चे, मासूम बच्चे को कोई हिजड़ा बनाएगा। इस औरत ने हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसने पैसे की डिमांड करी हमारी बहन नैना तिवारी नायक से। उसने पैसे की डिमांड करी, नैना के चेहरों पे आरोप लगाया कि वो उनको हिजड़ा बना रहे, बच्चे को लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। हम लोग इस तरीके का हिजड़ों के बच्चों के साथ नहीं करते हैं। हम लोग हिजड़े दुआशीत के लिए बने हैं। राम भगवान ने हम लोगों को अवतार दिया और ये आज हिजड़ों को, किन्नरों को, हम लोगों को बदनाम कर रही है। इसलिए मैं इस DCP ऑफिस में आई हूँ अपना इंसाफ मांगने कि हिजड़ों के ऊपर ये झूठ लालचन लगाया है इस औरत का, और हमारा इंसाफ कराए। मेरे चेलों का नाम है रूपा और संजू, और क्या कहते हैं, इसकी CBI जांच करे, CID जांच करे, सारी फोरेंसिक लैब सब जांच करे कि इसके बच्चे के लिंग में इंजेक्शन हिजड़ों ने लगाया। इसकी सारी चीज की गहराई से जांच की जावे। हमें इंसाफ चाहिए। अपहरण करने का आरोप लगाया था 2 साल के मासूम को संजू। आप ये बताइए, हमने सामने कमरे में कोई अपहरण करता है, सामने बच्चा का खेलता हुआ आ गया, सारे बच्चे आते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। हमारा किन्नरी समाज नहीं ना, हमारे पूरे मोहल्ले की बिल्डिंग के सारे लोग, सारे मेरे, और ये आगे भी कांड करके आई है स्टेशन पे, ये सारे वो क्या कहते हैं कुली लोगों को साथ, जहाँ ये पहले रहती थी, अपना बलात्कार लगा देती, कहीं कुछ लगा देती। महिला 2 साल के मासूम के साथ कार्रवाई ना होने पे आत्महत्या की धमकी दे रही है। वो आत्महत्या की धमकी इसलिए दे रही है, अपने आप को कह रही है मैं मर जाऊंगी। वो ये चाहती है हिजड़ों से कि हम पैसा लें। हिजड़ों ने खुल के उससे, हिजड़ों से कहा है कि मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हारा खेल रफा दफा कर दूंगी। वो हिजड़ों के सोने चांदी पे नहीं है, डर मुंह बात हुई, डर मुंह बात हुई, डर मुंह बात हुई थी कि दीदी ऐसा आप क्यों कर रही हो। तो दीदी आप।